दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो उन बच्चों के लिए बहुत काम की है जो लोग अपने 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यानी कि आज राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुना और इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक वे 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दें। साथ ही उन्होंने 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा है। अब ये स्कूलों पे डिपेंड करता है, राज्यों पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट का प्लान करते हैं। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने के लिए आज़ाद हैं, इसके लिए उनके अधिकार क्षेत्र में वो दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने याचिका लगाकर ये मांग की थी कि बोर्डों की 12वीं की परीक्षा पर रोक लगाई जाए। याचिका लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान कई राज्यों ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला भी किया। 6 राज्यों में 12वीं की परीक्षा पहले ही हो चुकी है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस पर फैसला होना बाकी था। ऐसे में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि सभी परीक्षाओं को रद्द करके असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के लिए कोई आदेश जारी किया जाए। और पिछले ही हफ्ते CBSE ने बोर्ड की 12वीं की कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर के बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया था और बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के फाइनल रिजल्ट को आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने 31 जुलाई को रिजल्ट जारी करने की बात की थी और कोर्ट ने बोर्ड के मसौदे को भी मंजूरी दे दी थी। आइए देखते हैं कि असेसमेंट का फार्मूला क्या है। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने के लिए CBSE के फार्मूले के तहत 10वीं के 5 सब्जेक्ट में जिनमें से छात्र सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। मैंने जिस 3 सब्जेक्ट में 5 में से 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसी को स्कोर के लिए चुना जाएगा। इसी तरीके से 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के कक्षा के यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होंगे उन्हें रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। 10वीं और 11वीं के मार्क्स को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए जब हालात सामान्य होंगे तो वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच अलग से उनके परीक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कोर्ट ने अरेंज करने के लिए कहा है। तो दोस्तों ये थी बच्चों से जुड़ी खबर उन बच्चों के लिए जो 12वीं के 11वीं के और 10वीं के अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।